नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। उससे छोटी मगर मोटी बातें, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं एवं बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं जिसके एग्जाम होने हैं। आप उसका तैयारी मन लगाकर जतन से कीजिए। किसी दबी हुई ख्वाहिशों के खातिर, अपने आने वाले पीढ़ियों के खातिर, आपके साथ जो चल रहे हैं पीढ़ी उनके खातिर, उनकी इच्छाओं के खातिर, उनकी दबी हुई ख्वाहिशों की खातिर आप जो है मेहनत कर लीजिए। क्योंकि क्योंकि देखिए, अगर आज आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो भविष्य में 5-6 साल बाद जब आपका उम्र खत्म हो जाएगा तैयारी स्किल प्रोस्पेक्ट से, तब आपको लगेगा, जब आप कहीं जाइएगा जॉब ढूंढने के लिए, कहीं जाइएगा प्राइवेट में जॉब देखने के लिए कि कहीं बड़ी 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 फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी लग जाए, तो हाँ, निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि आप उस प्रोस्पेक्ट से तैयारी नहीं कर रहे थे। आपने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली हुई है, आपने अगर ली हुई भी है तो आपने कंपटीशन की तैयारी में अनमने ढंग से कंपटीशन की तैयारी में समय गवा दिया है। गैपिंग हो गया है आपका, तो वहां भी अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाएगा और 10 से 15 हजार में मिनिमल सैलरी में आपको खटना पड़ेगा। तब अफसोस होगा, काश मैंने 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए होते तो हमारा तैयारी अच्छा हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी निराशा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आशा करते हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे लैडर, लैडर से रिलेटेड, लैडर फ्रैक्शन क्या है, सीढ़ी नुमा। देखिए, इसका जो है इंट्रो मैंने आपको दिया था जब फ्रैक्शन बता रहा था, जब फ्रैक्शन बता रहा था तब मैंने इसका इंट्रो आपको दिया हूं, सीढ़ी नुमा भिन्न। ठीक है, सीढ़ी नुमा भिन्न क्यों कहते हैं? सीढ़ी क्या कहता है? एक पायदान, फिर दूसरा पायदान, फिर तीसरा पायदान, फिर चौथा पायदान, फिर पांचवा पायदान, एक एक पायदान वाइज छत पे जहां पर जाया जाता है, ऐसे मंजिल पर भी उसी तरह जाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, मंजिल को आप गलत प्रोस्पेक्ट से ना ले लें। मंजिल एक होता है जब आप दुनिया को छोड़कर जाते हैं और आपके अति को नहीं बोलना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप। तो सीढ़ीनुमा भिन्न, अब क्या है, देखिए सीढ़ीनुमा भिन्न होता कैसे, ये फॉर्मेट हो सकता है, ये फॉर्मेट हो सकता है। अब देखिए, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तरह तरह के पैटर्न आपके सामने आ सकते हैं, जो कि सारे के सारे पैटर्न मैं आज करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, यहां भी कुछ हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे पैटर्न ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। पहले सॉल्यूशन दे दूंगा ताकि आप समझ जाएं होना क्या है, उसके बाद ट्रिक से हम आपको इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 + 1/1, 1 + 1/4 + 4/5। ठीक है, इसको देखिए हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले नॉर्मल वे में इसे हम सॉल्व करना चाहिए वैसे करें, उसके बाद ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए है क्या, ये भिन्न है, भिन्न का जोड़ है ये, है कि नहीं, भिन्न का जोड़ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर सॉल्व होता है, नीचे से ऊपर। जब भी ऐसा लेडर वाला फ्रैक्शन हो आपके पास तो नीचे से ऊपर की ओर इसको सॉल्व करते हुए हमें जाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 + 4/5, इसको देखिए इस सेक्टर को सबसे पहले पकड़ लेना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए, ज्यादा हमको लेना नहीं है, ज्यादा हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है, यहां से किए 5 + 5 + 4 = 9, 9/5। ठीक है, 9/5, 9/5 का तात्पर्य है यहां पर 9/5 हो गया, तो ये जो नीचे 5 है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर यहां पर चला जाएगा। तो यहां पर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 5/9, 1 + 5/9। ठीक है, अब क्या है, इसको इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, तो 9 * 9 = 5, 14/9। ठीक है, 14/9 हो गया। अब क्या है, ये 9 जो है यहां पर हो गया ना, ये 14/9 हो गया, यहां पर 14 हो जाएगा, यहां भागा में 9 हो जाएगा। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, 1 + 9/14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 * 14 = 9, 23/9।
14, ये हमारा ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी फास्ट हो जाएगा, इसे भी हल कर सकते हैं। लेकिन हम इससे भी शॉर्ट तरीका से हल करेंगे, इससे भी शॉर्ट तरीका से हल करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है, इसको करने के लिए। अब देखिए करना क्या है, हर जब पैटर्न बता देंगे ना तो आपको लगेगा फुसी है, फुसी बम है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए करेंगे हम लोग क्या, नीचे से ऊपर जितना प्लस है सबसे पहले उतना प्लस का निशान लगा दिए, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, ठीक है। उसके बाद इस प्लस के पास, इस प्लस के पास जो जो है उसको लिख लीजिए, एक एक एक, ठीक, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वन वन वन, तीन वन है ना, एक दो तीन, तीन प्लस है, तीनों के साथ एक एक है, कोई भी संख्या होता तो यही पर, यहाँ पर वो संख्या चेंज हो जाता, ठीक है। हम हर संख्या अंक रख के, हर संख्या रख के आपको हर पैटर्न से इसको समझाने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए, सिर्फ साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट करते जाए, समस्या हो कमेंट करें, नहीं भी हो तो अच्छा लगा हो तो बोलिए सर अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया लगा सर। अब देखिए वन प्लस वन प्लस वन, तीन जगह प्लस हो गया, और ये जो चार बटा पांच है इसको चार बटा पांच आप लिख लीजिए, चार और पांच, ठीक है, चार पांच, चार बटा पांच हो गया। अब देखिए क्या करना है, इस पांच से इसको गुणा कर दीजिए, पांच एकम पांच और जोड़िए चार नौ, ठीक है, पांच एकम पांच और जोड़िए चार नौ। उसके बाद फिर ये जो नौ आ गया ना, ये पहला प्लस का काम खत्म हो गया, पहला प्लस से ये नौ मिला हमें, उसके बाद दूसरा प्लस का काम आता है, चालू होता है। ये जो है इस नौ को, इस यहां पर क्या है, एक है ना, अगर दो रहता दो गुणा करते एक है, तो नौ एकम नौ और ये प्लस पांच चौदह, ये चौदह, ये दूसरा प्लस का भी काम समाप्त हो गया, दूसरा प्लस का भी, ये दूसरा प्लस से चौदह हमें मिल गया। फिर इस चौदह से एक बार में चौदह एकम चौदह, और ये जो पहले जो उसके प्रीवियस में आ रहा है ना उसको हम जोड़ देंगे, तो चौदह एकम चौदह और नौ तेईस, तेईस, और तीसरा प्लस का भी काम खत्म हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए इस तेईस को तेईस अंश बना देना है, और जो उससे पहले है उसको हर बना देना है, तेईस बटा चौदह आंसर। देखिए दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, दोनों सही है हमारा, दोनों ट्रिक से अपना सकते हैं। इसमें क्या आपका फटाफट बन जाएगा, इसमें सिर्फ रखना है कितना प्लस है। अब देखिए चेंज भी हो सकता है, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। माइनस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, कहीं भी माइनस भी घुस सकता है, तो भी हमारा सेम कंसेप्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हर एक प्रकार को आपको यहाँ पर लेडर भिन्न को जो है आपको समझाया जाएगा। चलिए चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या है, वन प्लस वन बाय वन, वन प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बटा में प्लस वन और बटा में फाइव, ठीक है। देखिए वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस, ठीक है, वन बाय वन बाय वन बाई सिक्स बाई फाइव। देखिए ये चार नहीं, पांच छह सात आठ नौ दस कुछ भी हो सकते हैं, आपको कतई घबराना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दो तीन, आपको जैसे सुविधा हो, मैंने दोनों विधि बताया है, सिंपल नीचे से ऊपर आप सॉल्व करते जाएं, ठीक है। अगर आपको ऐसा साधारण मिले ऊपर से नीचे सॉल्व करते जाएं, या तो जो ट्रिक बताया है वैसे कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर सीधा विधि से तो बता दिया ना कि ऊपर से नीचे सॉल्व करना है, और ट्रिक भी बताया, चलिए अब इसको ट्रिक से ही हल करते हैं, ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि दोनों विधि से आपको बताना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन करवा दिया है, अब जो देखिए आपको ट्रिक से कीजिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, ट्रिक से कीजिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कितना ट्रिक याद रखें सर, कितना ट्रिक याद रखोगे, लेकिन अगर ट्रिक नहीं हम याद रखेंगे, कंसेप्ट हम नहीं याद रखेंगे, देखिए याद कुछ नहीं रखना है, याद नहीं रखना हमें, कंसेप्ट क्लियर रखना है, दिमाग में भेजा में जो घुसा है उसको निकाल के यार इसको डालना है, कंसेप्ट को घुसाना है, ठीक है। तो कंसेप्ट हमको देखना है, कंसेप्ट को माइंड में मेकअप करना है। अगर गदर टू देखे होगे, अगर गदर टू देखे होगे तो उसका जो विलन है, क्या कहते हैं नामो हम भूल गए हैं, देखे है, तो उसका विलन जो कहता है तुम देखा होगा, तुरंत घुस गया होगा दिमाग में, ऐसे तुम्हारा माइंड मेकअप हो गया, तुम्हारा माइंड मेकअप हो गया। तो वही जो है यहाँ पर माइंड मेकअप करना है, कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, क्योंकि आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, कई चैप्टर हैं, 20-22 चैप्टर हैं, और आपको उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जब सब टाइप्स आप पढ़िएगा, एग्जाम क्रैक करना है तो आपको तो ट्रिक्स भी उतना, कंसेप्ट भी उतना ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए ट्रिक से ही सॉल्व करें, मैं तो ये कहूंगा ट्रिक से ही सॉल्व करें, ऐसे आप नीचे से ऊपर भी भिन्न को सॉल्व कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जित इसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए फटाफट सॉल्व होगा। अब देखिए कितना प्लस का निशान है, चार प्लस है, एक दो तीन चार, चार प्लस का निशान है, चारों के साथ क्या है, एक है, एक है, एक है, एक है, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए अब क्या करना है, यहां छह पांच है तो छह और पांच रख देना है, छह बटा पांच हमें रख लेना है, छह पांच, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए क्या करना है, इस पांच को इससे गुणा करना है, पांच एकम पांच, और यहां प्लस का निशान है ना, देखिए इस प्लस के निशान पर यहां जो निशान है उस पर ही खेला है, यहां प्लस का निशान है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये जो प्लस है इसलिए पांच एकम पांच और प्लस छह ग्यारह,
फिर इस 11 से इसको गुणा करेंगे तो यहां पर क्या है, यहां भी एक है तो 11 का 11 और यहां प्लस का निशान है, 11 प्लस उससे पहला वाला 5 16 16। अब देखिए फिर इस 16 से यहां पर क्या है, एक है तो 16 एकम 16 और प्लस का निशान, तो प्लस 16 और उससे पहले वाला, यहां प्लस है तो प्लस करेंगे उससे पहले वाला 16 11 27 27 एकदम। मान लीजिए ना 11 से जो गुना जैसे करते हैं वैसे ही 11 का गुना है एक प्रकार से, ठीक है 27 हो गया। अब 27 गुना यहां कितना है, एक है, 27 एकम 27 निशान प्लस का तो प्लस 16 43 43। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 43 भागा 27, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना, 43 भागा 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, इसको सॉल्व करना है वन बाय फोर बाय फाइव, यहां प्लस प्लस टू, यहां प्लस प्लस है, ठीक है, यहां बीच में माइनस भी हो सकता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए माइनस ही कर लेते हैं प्लस, सॉरी माइनस ही हम यहां पर सॉल्व करते हैं, एक माइनस देते हैं उसके आपको समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से ऊपर नॉर्मल विधि से भी हल करेंगे तो नीचे से ऊपर, और शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी अपनाएंगे तो नीचे से ऊपर, ठीक है। तो नीचे से क्या है निशान, प्लस, क्या है उसके साथ, चलिए पहले निशान लेते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस। अब उसके साथ कौन सा अंक है, देखिए सारा के साथ दो है, अगर कोई डिफरेंट अंक होता है, डिफरेंट संख्या होता तो जिसके साथ जो संख्या रहेगा नीचे से ऊपर की ओर उस निशान के साथ, वो संख्या वो अंक हम ले लेंगे, वो अंक हम ले लेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, तो ये जो 4/5 है वही रखेंगे, जो हमने पहले किया वही इसमें भी करना है, कुछ अलग नहीं करना है। क्या है, 5 × 2 निशान प्लस का, 5 × 2 = 10 निशान प्लस का, तो उससे पहले वाला जुट जाएगा, तो 10 और 4 = 14, ये भी हो गया, ये निशान का काम हो गया। अब 14 × 2 = 28, यहां निशान क्या है, माइनस है, तो माइनस उससे पहले वाला, 28 माइनस क्या, पहले 5 23, उसके बाद ये भी हो गया, माइनस वाला काम हो गया। अब 23 × 2 = 46 और यहां क्या निशान है, प्लस का, तो 46 और 14 क्या होता है, 46 और 50 और 10 60। अब 60 इसका भी काम हो गया, ये प्लस का भी काम हो गया, 60 × 120 120, और यहां प्लस का निशान है ना, तो इस प्लस का निशान को तो यहां पर इसको प्लस कर देंगे उससे पहले वाला, तो 120 और 23 143। देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, क्या है कि यहां पर से जो संख्या है उसे गुणा कर देते हैं और जो यहां पर निशान है उससे पहले वाला वही करते हैं, प्लस का निशान है प्लस, जोड़ का निशान, अरे माइनस का निशान है तो माइनस, तो 60 × 120 और प्लस का निशान है तो प्लस 23 उससे पहले वाला 143। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 143 भागा 60 यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर कोई भी यहां डिजिट चेंज हो सकता है उससे हमें मतलब नहीं है, यहां निशान चेंज हो सकता है प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ठीक है, उससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अरे सर यहाँ अंक बदल दिए हैं, संख्या बदल दिए, इसको भी सिंपल से कर दीजिए ना, थोड़ा अच्छा से भेजा में घुसेगा, तो लो भाई हम कर देते हैं इसको सिंपल विधि से भी। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो 5 × 10 और 4 = 14, 5 × 10 इसको नोट कर लियो ना, नोट कर लियो ना, तो बैक चल जाना, 5 × 10 = 14, यहाँ क्या हो गया 14/5। अभी जब एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अंश बन जाएगा, तो ये यहां पर चला जाएगा 5, ठीक है। अब यहां 14 रहेगा तो 14 × 2 ये इसके साथ क्रिया होगा ना, अब यहां पर आ जाएगा, इस दो का काम हो गया, अब इस दो के साथ 14 × 2 = 28 28, और यहां क्या हो गया 5 आ गया ना, यहां 5 आ गया तो 28, और यहां माइनस का निशान है तो 28 में से 5 चल गया, तो क्या हो गया 23 23, 28 में से 5 चल गया 23। अब देखो 23 23/14 हो जाएगा, 23/14, अभी 14 यहां ऊपर चलाएगा, 14 यहां ऊपर चला जाएगा, एक से ऊपर चले गए तो हर अंश बन जाएगा, तो 23 × 46 = 60, प्लस का निशान है ना तो जुट जाएगा 14 60, तो यहां 60 हो जाएगा और बटा में 23, तो एक से और ऊपर जा रहे हैं, एक से और ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो हर है ये अंश बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां 60 है, 60 × 120 और प्लस का निशान है 23 123 143 143, और भागा में 60। देखिए आ गया ना, कहीं सेम आएगा, कोई गलत होने का चांस ही नहीं है, ये ट्रिक ऐसा है गलत होने का चांस ही नहीं है, आप इसको नहीं छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो 4 तक में है तो सॉल्व कर ले रहे हो, अगर 5वां सीढ़ी नीचे कर देगा ना, अगर देखिए एक सीढ़ी कूदाया कम चोट लगेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, चोट ही नहीं लगेगा, दूसरे से और हम लोग का आदत है बचपन से, एक सीढ़ी टपिए चलना है, एक सीढ़ी टपिए का चलना है, ठीक है। तीन सीढ़ी चढ़ गए,
थोड़ा सा अगर 3 सीढ़ी से फेंक देगा, थोड़ा सा चोट लगेगा, बाप रे चोट लग गया। 4 सीढ़ी से फेंकेगा तो क्या हालत होगा, उससे ज्यादा लगेगा। और 5 सीढ़ी से जहां गिरे, 5 सीढ़ी जहां गिरे तो तरंगने सूझ जाएगा, पैर टूट जाएगा। इसलिए 5 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 3 सीढ़ी तक नीचे से ऊपर सिंपल विधि से हल कीजिए, लेकिन 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी जैसे आए ना वैसे ट्रिक पर आ जाइए। मैं तो कहता हूं शुरू से ही ट्रिक पर रहिए, लेकिन 3 सीढ़ी जैसे क्रॉस करे, ये प्लस 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 जो 3 बार हो जाए, जैसे 3 बार से क्रॉस कर जाए ना, आप जो है ट्रिक पर आ जाइए, ठीक है। कम चोट लगेगा, यानी कम समय में हल हो जाएगा, फटाफट हल होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए पेड कोर्स का मजा एकदम फ्री में मिलेगा आपको। सारा का सारा पैटर्न आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, सारा का सारा पैटर्न जो है नर्तक करेगा, यहाँ नृत्य करेगा, ठीक है ना। जो आप पैसा देके हासिल करते हैं अलग चट्टी पर, मतलब नए नए प्लेटफॉर्म पर, वो आपको यहाँ पर मुफ्त में मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ अगर कुछ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दबा दें या एक कमेंट कर दें, सर आई एम ओके, आई एम डन, ठीक है। चलिए तब क्या है, देखिए अब कुछ लोगों के मन में होगा दू 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 रखती है, एक 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 रखते हैं, अरे डिफरेंट तो कीजिए सर, डिफरेंट तो कीजिए। लो भाई डिफरेंट कर दिए, 3 + 1/1, 2 - 1, 4 + 3 - 5 / 2। देखिए सारा का सारा अलग है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। अब आप नहीं कर सकते हैं कि सर सीरियली से सारा कुछ कर रहे हैं, एक ही डिजिट के साथ खेल रहे हैं, इधर आप कर सकते हैं। ये भी शिकायत हम बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं आपका, ठीक है, कि यहाँ पर एक एक लेते हैं, अंतिम में 3 और 2 ले लेते हैं, ये भी शिकायत हम दूर कर देंगे, लेकिन पहले यहां देखिए, यहां समझिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने डिफरेंट ले लिया, अब क्या कहा है मैंने, नीचे से ऊपर सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर क्या निशान ले लो भाई, माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, ठीक है। देखिए एकदम शानदार तरीके से, शांति से, बिना इधर उधर ध्यान किए समझिए, ठीक है। आपको बिल्कुल मुफ्त में एक सब्सक्राइब के बदले जो है पूरा मैथ कंप्लीट करवा देंगे हम। एक सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो में कमेंट करते रहिए, मजा आया मजा आया, ठीक है। और समस्या हो तो बताइए, हम देंगे आपको उसका सॉल्यूशन, समझाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है सेवर क्लासेस के नाम से, हर वीडियो के लिंक में रहता है, आप वहां पर भी अपना क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं। और आपको यहां तक भी छूट है, किसी भी टीचर का, किसी भी राइटर का बुक से आप क्वेश्चन उठाइए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, वहां पर स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी ट्रिक दूंगा, ठीक है ना। आप देखिए 3, 2, 4, 5, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, तब ना हम आपके लिए कुछ और अच्छा अच्छा करते जाएंगे, है कि नहीं। जो जो निशान है नीचे से ऊपर की ओर हमने ले लिया, अब उस निशान के साथ जो जो संख्या है उसको भी ले लेंगे हम। तो 5 है माइनस के साथ, फिर 4 है प्लस के साथ, फिर 2 है 2 ले लिए, फिर 3 है 3 ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये 3 2 है ना, इस 3 2 को हम एज इट इज वैसे ही ले लेते हैं, जिसे हर बार सॉल्व करने में हम लेते हैं। अब इस 2 के साथ इसको गुना किए, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10, माइनस का निशान, माइनस का निशान, तो पहले वाला माइनस, तो 10 में माइनस का निशान है तो पहले वाला माइनस, तो 3, तो आ जाएगा 7। इसका खेला खत्म, इसका खेला खत्म, ठीक है। अब 7 × 4 अगला प्लस, अगला जो निशान है उसके साथ खेल रहे हैं, अगला जो संख्या है 7 × 4 28 और यहां निशान क्या है, प्लस का, प्लस का निशान है, तो प्लस उससे पहले क्या है 2 28 और 2 30 30। उसके बाद देखिए क्या है, यहां माइनस का निशान है, यहां 2 है, तो 30 × 2 = 60 और माइनस का निशान 60 माइनस उससे पहले वाला, तो 7 53 53। इस माइनस का भी खेला खत्म हो गया, है ना। अब 53 × 3 50 + 3 = 9 159। यहां निशान क्या है, चीज क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का, तो प्लस का निशान है तो उससे पहले वाला प्लस हो जाएगा, 159 और 30 तो 189, यानी 90 में 1 कम 189। अब आंसर क्या हो जाएगा, 189/53, कहीं कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ठीक है। एकदम आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न उठा लिए, नीचे से ऊपर जो निशान है हमने रख लिया, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, ठीक है। उसके साथ जो संख्या है वो भी रख लिए, 5 4 2 3, 5 4 2 3, ठीक है। अब क्या है, ये जो बटे में है 3 2 लास्ट वाला आंसर, इसको ले लिए एज इट इज, 3 पहले है ऊपर में है, 3 को इधर ले लिए, 2 को इधर ले लिए हर में। अब इस हर से इसको गुणा किए, तो 2 × 5 = 10 10, और यहां माइनस का निशान है तो उससे पहले वाला 3 जो है, 2 से पहले 3, इस 10 में माइनस हो जाएगा तो 7 आ गया हमारा। अब इस 7 को अगला संख्या से गुणा करेंगे, 7 × 28, यहां निशान है प्लस का तो उससे पहले वाला प्लस को जोड़ देंगे, 28 और प्लस 2 30 हो गया हमारा, 30 है। इस 30 को इस 2 से गुणा कर देंगे, 30 × 7, यहां माइनस का निशान है तो उससे पहले वाला माइनस कर देंगे, तो 60 में से माइनस गया 7,
तो 53 हो गया, 53 आ गया। अब इस 53 को अगला संख्या से गुणा करेंगे, 53 तिया 159, 159 यहां निशान प्लस का, प्लस का निशान, तो इससे पहले वाला इसमें जोड़ देंगे, तो 159 और 30 189, 90 एक कम, ठीक है 189, तो 189 और भागा 53 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक से 189 भागा 53, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए चार पांच सॉल्व करवा चुके हैं, अब देखिए समझाते हैं कहां से आता है ये सब, आता कहां से है, मैंने किया क्या, इस दो को पांच से गुणा किया ना, और माइनस कर दिया जो निशान है उसको माइनस कर दिया पहले वाला, देखिए हर में दो है तो इसको माइनस, इसको इससे गुणा किए पांच से, जो इधर पूर्णांक है उससे गुणा किए, दो पचे दस, दो पचे दस, यहां निशान माइनस का है, माइनस का निशान है तो माइनस में ये तीन, तो यहां पर भी तो पांच गुना दस माइनस तीन होगा ना सात, ठीक है। अब यहां पर सात आ गया, सात भागा दो है, ठीक है सात भागा दो, यहां दो रख लीजिए आप, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां दो रख लीजिए। अब सात सात चौक अट्ठाईस, सात चौक अट्ठाईस, ठीक है सात चौक अट्ठाईस, सात चौक अट्ठाईस, अब प्लस का निशान, प्लस का निशान यहां पर दो, उससे पहले वाला करते हैं ना जी, यहां पर दो आया था ना वही दो करते हैं, मतलब यही क्रिया हो रहा है, जो नॉर्मली भिन्न हम हल करते हैं वैसे ही भिन्न यहां भी हल हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है वैसे ही हो रहा है, ट्रिक से हो रहा है, आसानी से हो रहा है, फटाफट हो रहा है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से हो रहा है, एग्जाम को दृष्टिकोण से हो रहा है, एकदम कम समयों में हल, इसको हल करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हल करेंगे तो फटाफट हल कर लेंगे बिना किसी कंफ्यूजन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बटा वन प्लस वन बाय वन प्लस वन बटा फोर प्लस फोर बाई थ्री, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये वन बटा में ये फॉर्मेट जो हम अभी तक हल किया, अभी तक हमने हल कर रहे थे यहां से लेकर के यहां तक, वन बाय वन बाय वन बटा फोर बटा तीन, ठीक है, और इधर प्लस माइनस जो भी है अंक संख्या के साथ है, और हम यहां तक हल कर रहे थे, ठीक है इसको हल नहीं कर रहे थे, हम यहां तक हल कर रहे थे, इसको अभी भी हम यही हल करेंगे, यहां तक ही हल करेंगे हम अभी भी, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ हम क्रिया करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, निशान नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है क्या क्या संख्या है, पांच है, नीचे से ऊपर ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, नीचे से ऊपर सॉल्व करना है, फ्रैक्शन जो लेडर का है, नॉर्मल से भी नॉर्मल रूप में भी आप हल कीजिएगा तो नीचे से ऊपर हल करते हैं, इसलिए ट्रिक भी नीचे से ऊपर ही सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर संख्या लेना है, नीचे से ऊपर चिन्ह लेना है, तो पांच उसके बाद दो उसके बाद तीन उसके बाद एक, ठीक है यहां क्या है चार और तीन, चार बटा तीन। अब सॉल्व करते हैं, पांच थी या पंद्रह प्लस का निशान, तो ये चार जुट जाएगा, पंद्रह चार उन्नीस, इसका काम समाप्त हो गया, उन्नीस दूना अड़तीस, अड़तीस यहां माइनस का निशान, तो ये तीन इसके पहले है ना, तो ये तीन माइनस हो जाएगा पैंतीस, इसका भी काम समाप्त हो गया, पैंतीस दिया पैंतीस दूनी सत्तर और पैंतीस एक सौ पांच, एक सौ पांच, और यहां निशान क्या है प्लस का निशान है, तो ये प्लस एक सौ पांच और उन्नीस एक सौ चौबीस, ठीक है एक सौ चौबीस। देख संख्या अंक कुछ भी हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, उससे हमें कतई घबराना नहीं है, हमें सॉल्यूशन का कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट दिमाग में बसा लेना है, सॉल्यूशन तो अपने आप होते जाएगा। अब एक सौ चौबीस इसका काम समाप्त हो गया, एक सौ चौबीस गुना एक, एक सौ चौबीस निशान प्लस, तो प्लस ये प्लस, उससे पहले वाला प्लस हो जाएगा, एक सौ चौबीस और पैंतीस तीस बीस पचास और पांच नौ एक सौ उनसठ, एक सौ उनसठ, तो आंसर क्या हो गया एक सौ उनसठ भागा एक सौ चौबीस। लेकिन कहां तक का, कहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, लीजिए रख दीजिए एक बटा एक सौ उनसठ भागा एक सौ चौबीस, एक बटा एक सौ उनसठ भागा एक सौ चौबीस, तो करेंगे क्या हम, एक सौ उनसठ बटा एक सौ चौबीस है ना, एक सौ उनसठ बटा चौबीस ये अंश है ये हर है, तो जब अगला ऊपर लपाईदान में जाएंगे हम तो ये जो हर है ये अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर रह जाएगा, ठीक है तो पलट जाएगा आपस में, तो एक सौ चौबीस और भागा एक सौ उनसठ आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, अगर एक एक्स्ट्रा में हो ऐसा तो पलट जाएगा, क्यों पलटेगा वो तो आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तीसरा पायदान हो ये बटा में जो दोनों हो अंश और हर हो तो हर जाके अंश बन जाता है, ठीक है तो ये हमारा आंसर निकल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई अगर कंफ्यूजन हो आपको नहीं समझ में आ रहा आपको तो हमें कमेंट करें, हम आपका उसका जो है कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, एकदम डिफरेंट मिलेगा आपको, एक भागा दो भागा तीन भागा चार, ठीक है, प्लस दो माइनस और फाइव प्लस, ये क्वेश्चन है, एक बटा दो बटा तीन बटा चार, दो प्लस में है, दो तीन माइनस पांच प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सेम सॉल्व करेंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। आप कह रहे थे ना कि सर सिर्फ एक 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 ले रहे हैं, लास्ट में सिर्फ दो डिजिट अलग अलग ले रहे हैं, अब इसमें सारा का सारा अलग है, यहां पर भी कहिएगा तो अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको पहले समझते हैं, इसको एकदम एज इट इज पिछला क्वेश्चन की तरह हल करना है, थोड़ा सा चेंज है, मात्र थोड़ा सा चेंज। देखिए क्या है, नीचे से ऊपर हम लोग जो चिन्ह है वो हम ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, और उसके साथ जो संख्या है वो भी ले लेते हैं, पांच तीन दो। अब इसके साथ जो हम करते थे अंतिम अंश और हर के साथ, वही हम यहां पर भी करेंगे, तीन बटा चार, ठीक है। और एक स्टेप छोड़कर, पहला जो ऊपर है प्लस का निशान लिए उसको छोड़कर, दूसरे जो है प्लस माइनस का निशान है उसके सामने ये वाला रख देंगे दो, उसके बाद अगला के साथ ये वाला रख देंगे एक। अब सॉल्यूशन हम करेंगे जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है, चार गुना पांच बीस, और यहां प्लस का निशान तो तीन तेईस, ठीक है, इसका काम खत्म। उसके बाद देखिए तेईस गुना तीन उनहत्तर, उनहत्तर में से क्या माइनस का निशान, तो क्या माइनस होगा, पिछला वाला माइनस होता है ना, चार माइनस होना चाहिए, लेकिन यहां चार माइनस नहीं होगा, ये चार गुना दो माइनस होगा, आठ होगा, तो उनहत्तर में से आठ गया तो इकसठ, उनहत्तर में से आठ गया तो चार गुना आठ गया तो इकसठ। अब यहां क्या इकसठ आ गया, इकसठ गुना एक सौ बाईस, एक सौ बाईस यहां प्लस का निशान, प्लस का निशान, तो ये तेईस और गुना एक, तेईस गुना एक तेईस, तो एक सौ बाईस, और यहां प्लस का निशान है, एक सौ बाईस और तेईस एक सौ पैंतालीस, एक सौ पैंतालीस, तो यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, एक सौ पैंतालीस भागा इकसठ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, एकदम क्लियर कट सॉल्व होगा, ठीक है, एकदम आसानी से। अब कहिए सर पूरा सॉल्व करके दिखाई, हो सकता है गलत हो जाए, तब इसमें ये फिट नहीं हो, तब लीजिए पूरा कर देते हैं। सबसे पहले इस पोर्शन को हल करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हल करते हैं, क्या है, पांच प्लस तीन बटा चार, तो चार पचे बीस तीन तेईस, तेईस बटा में चार है, तो जब अगला श्रेणी में जाएंगे तो ये चार जो है ऊपर हो जाएगा, चार जब ऊपर हो जाए क्या हो जाएगा, चार दुना आठ हो जाएगा, तो यहां क्या भिन्न बन जाएगा, तीन माइनस चार दुना आठ, ये चार ऊपर चला जाएगा आठ, और ये जो है हर हो जाएगा तेईस, तेईस दिया उनहत्तर माइनस आठ इकसठ, इकसठ भागा तेईस हो गया। अब क्या है, ये सीढ़ी खत्म हो गया, अब इस सीढ़ी में जाएंगे, जैसे ही इस सीढ़ी में हम लोग इंटर करेंगे दो प्लस, इसलिए इंटर करें फिर पलट जाएगा, हर जो है अंश बन जाएगा, अंश हर हो जाएगा, तो तेईस ऊपर चला जाएगा, तेईस बटा इकसठ, तेईस बटा इकसठ, इकसठ दुना एक सौ बाईस, एक सौ बाईस और तेईस एक सौ पैंतालीस भागा इकसठ, एक सौ पैंतालीस भागा अंश इकसठ आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहां पर जो प्राप्त हो रहा है वही यहां पर भी प्राप्त हो रहा है, देखिए यहां पर जो प्राप्त हुआ तीनों वही यहां पर जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अनुसार करेंगे तो वही प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए तेईस प्राप्त हुआ, ये तेईस, उसके बाद इकसठ इकसठ, उसके एक सौ पैंतालीस एक सौ पैंतालीस, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम वही है, लेकिन सिर्फ इसको एक ट्रिक का रूप दे दिया गया, एक फॉर्मेट दे दिया गया, ट्रिक छोड़िए एक फॉर्मेट दे दिया गया, उस फॉर्मेट में यानी देखिए सांचा बनाते हैं किसी चीज का, सांचा खाने वाला, सांचा नहीं खाने वाला, सांचा भी लीजिएगा तो वो भी ठीक है। तो क्या है, एक काठ का लकड़ी का सांचा तैयार कर लेते हैं, फ्रेम तैयार कर लेते हैं, और जो चीज बनाना है उस आकार का हम फ्रेम तैयार कर लेते हैं, और उसमें जो चीज डालिए, मोम का बनाना है वो आइटम, तो मोम डाल दिए और निकालिएगा, मूर्ति का सांचा है तो मूर्ति बन जाएगा, चीनी को घोल करके डाल देते हैं सांचा में, सांचा जो बनता है सांचा के आकार का, एक सांचा बनता है जो खाने के लिए कहते हैं सांचा है, जो छठ माता की पूजा में प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसका भी फ्रेम तैयार होता है, उसमें डालते हैं चीनी को, घोल चीनी के घोल को डालते हैं, बस चीनी तैयार हो जाता है, तो वही एक फ्रेम तैयार किया गया है, इस फ्रेम में इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा एकदम आसानी से, बिना किसी झिझक और टेंशन का, ठीक है। यहाँ पर बहुत टेंशन हो जाएगा आपको, तीन पायदान में देख रहे हैं उलझ गया, इसको अंश बनाना है, उसको हर बनाना है, इसको अंश बनाना है, इतना लिखना नहीं है, इसको दो इस फॉर्मेट को, इस सांचा में आप सबको ढाल दीजिए, आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमने लिया दो बटा तीन बटा चार बटा पांच बटा छह, यहां पर भी चेंज कर दिए, यहां पर भी दो ले लिए, ठीक है, एक नहीं कहिए कि एक लेकर आसान कर लिए सर, दो प्लस तीन माइनस चार माइनस एक प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सेम 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 कुछ भी नहीं, उसी तरह करना है, आप जो है फ्रेम में डालिए आइटम तैयार, नीचे से ऊपर प्लस
प्लस माइनस माइनस, ठीक है माइनस है फिर प्लस, क्या है सबसे पहला नीचे क्या एक है, उसके बाद चार है, उसके बाद तीन है, उसके बाद दो है, नीचे से ऊपर जो भी चिन्ह के साथ अंक है संख्या है उसको हमें रख लेना है। अब क्या है ये पांच और छह है, पांच बटा छह, ठीक है इसको रख लिए, जैसे हर टाइप में किए उसी तरह इसमें भी कर रहे हैं। अब देखिए पिछला क्वेश्चन तीन सीढ़ी का था, अब इस बार चार सीढ़ी बना दिए, एक दो तीन चार, ठीक है ताकि आपको लगे कि यहां सॉल्व कर लेंगे तो धड़ाम से गिरिएगा और पैर में टूटेगा नहीं तो कसम मोच तो जरूर आ जाएगा, इसलिए ट्रिक आप करने पर मजबूर हो जाए, और ट्रिक जो है जब दिमाग में एक बार बस जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, दस सीढ़ी भी रहेगा तो आसानी से हल हो जाएगा। पांच बटा छह हो गया यहां पर, अब क्या है एक पायदान इसको छोड़कर अगला पायदान से ये चार, अगला पायदान से ये तीन, उसका अगला पायदान, उसका अगला पायदान ये दो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, छह कम छह और यहां प्लस का निशान, तो ये पांच, उससे पहले वाला पांच प्लस जुड़ गया ग्यारह, उसके बाद इस ग्यारह को इस चार से गुना किए, ग्यारह चौक चौवालीस, चौवालीस यहां माइनस का निशान, माइनस का निशान, तो ये छह और चार, छह गुना चार चौबीस, चौबीस जो है इस चौवालीस से गुना कर देना है, घटाव करना है, गुना नहीं घटाव करना है, तो चौवालीस घटा दिए चौबीस, सॉरी भाई ग्यारह चौक चौवालीस होता ना, चौवालीस में इस चौबीस को हमने घटा दिया, छह चौक चौबीस तो बीस आ गया। अब क्या है बीस दिया साठ, बीस इसका खत्म, इसका खत्म, ये तीसरा आ गया, तीसरा पायदान पर हम लोग बीस दिया साठ, साठ और इस ग्यारह को इस तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ग्यारह से तैंतीस, तो क्या करना है घटा हुआ यहाँ निशान है तो घटा देना है, साठ में तैंतीस घटा देंगे तो सत्ताईस आ जाएगा, साठ में तैंतीस घटाएंगे तो क्या आएगा सत्ताईस आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा सत्ताईस आ गया। अब क्या करना है इस सत्ताईस को फिर इसका काम खत्म, अगला पायदान पर आते हैं, सत्ताईस गुना दो चौवन, चौवन यहाँ प्लस का निशान, तो बीस, बीस गुना दो चालीस, बीस गुना दो चालीस, तो चालीस और बीस गुना दो चालीस, चालीस यहां जोड़ देना है तो चौवन में चालीस चौरानवे, तो आंसर क्या हो जाएगा चौरानवे भागा सत्ताईस, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा का सीधा निशान के साथ क्रिया करना है, छह कम छह प्लस का निशान पांच ग्यारह, ग्यारह चौक चौवालीस माइनस का निशान, तो ये छह इससे पहले वाला ये छह और गुना चार चौबीस माइनस कर देंगे तो बीस आएगा, चौवालीस माइनस चौबीस बीस, बीस दिया साठ माइनस का निशान, तो इसे ग्यारह गुना तीन इससे पहले वाला का, ग्यारह गुना तीन तैंतीस, तो साठ में तैंतीस गया तो सत्ताईस, सत्ताईस गुना दो चौवन, चौवन में यहाँ प्लस का निशान, तो किसके साथ बीस गुना दो चौवन और चालीस, बीस गुना दो चालीस चौरानवे, चौरानवे भागा सत्ताईस, एकदम आसानी से हल होने वाला है, एकदम आसानी से होने वाला है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिए हल हो गया एकदम शानदार शानदार। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करें, हम आपको और अच्छा समझाएंगे, और अच्छा समझाएंगे, इससे अच्छा समझाया नहीं जा सकता फिर भी कोशिश करेंगे आप समझ जाएं, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, आप सबों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है थोड़ा पढ़ लीजिए मेहनत कर लीजिए, आप ही को तरक्की मिलेगा, हमको कुछ मिलना नहीं है आपसे, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा ज्यादा कुछ देना है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर लीजिए, ठीक है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, और नए भी है तो कमेंट कर दीजिए, कहा जा रहा है बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है बड़ा धन्यवाद।